के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में फिर जाएंगे अमेरिका के दौरे पर। पहली बार करेंगे वॉशिंगटन का स्टेट विजिट। कई अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर होगी बातचीत। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा की मौत के मामले में नया खुलासा। बॉयफ्रेंड राहुल राज ने पुलिस के सामने कबूल की प्रत्यूषा का गर्भपात करने की बात। जम्मू कश्मीर में अब व्हाट्सएप न्यूज ग्रुप के लिए लेना होगा लाइसेंस। अफवाहों पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने की पहल। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा आज से 3 देशों की यात्रा पर। सऊदी अरब, यूके और जर्मनी का करेंगे दौरा। आईएसआईएस सुरक्षा और वैश्विक अर्थव्यवस्था जैसे अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। और अभिनेत्री कंगना रनावत और उसकी बहन 30 अप्रैल को दर्ज कराएगी अपना बयान। अभिनेता ऋतिक रोशन की शिकायत पर साइबर क्राइम पुलिस दर्ज करेगी बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 साल में चौथी बार अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं। 7 से 8 जून का संभावित ये दौरा द्विपक्षीय वार्ता के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी पहली बार वॉशिंगटन के स्टेट विजिट पर होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इस मुलाकात को लेकर उत्सुकता जताई है। स्टेट विजिट 2 देशों के रिश्तों को मजबूत करने का सबसे अहम रास्ता माना जाता है। इससे पहले स्टेट विजिट के तौर पर साल 2009 में मनमोहन सिंह गए थे। इनके अलावा चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, मेक्सिको और साउथ कोरिया के प्रमुख भी स्टेट विजिट पर जा चुके हैं। बिजनौर में एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या में फरार चल रहे आरोपी मुनीर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने अदालत से गैर जमानती वारंट ले लिया है। फरार मुनीर की तलाश में पुलिस की टीमों ने प्रतापगढ़, इलाहाबाद और आजमगढ़ सहित कई ठिकानों पर छापेमारी की है, लेकिन अभी तक मुनीर को पकड़ने में सफलता नहीं मिल पाई है। दूसरी तरफ मुनीर को गिरफ्त में नहीं ले पाने के कारण पुलिस ने तंजील अहमद के परिवार की सुरक्षा बढ़ा दी है। जम्मू कश्मीर में व्हाट्सएप न्यूज ग्रुप के लिए लाइसेंस लेना जरूरी होगा। अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से ये आदेश जारी किए गए हैं। इस बारे में 18 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया गया है। सर्कुलर में मौजूदा व्हाट्सएप ग्रुप को रजिस्ट्रेशन के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। वही पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए पूरी तौर पर ग्रुप एडमिन जिम्मेदार होगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा पिछले 1 हफ्ते से घाटी के कई इलाकों में जारी प्रदर्शन और हिंसा के बाद आज शांति की स्थिति बनी हुई है। हंदवाड़ा में एक छेड़छाड़ की घटना के बाद स्थानीय लोगों ने यहां प्रदर्शन किया। यही नहीं, लोगों के प्रदर्शन के बाद सेना को यहां से अपने 3 बंकर अस्थायी तौर पर हटाने पड़े। भारतीय नौसेना ने अपने जंगी पोत की मदद से मुंबई तट से 800 समुद्री मील दूर पश्चिमी अरब सागर में एक व्यापारिक जहाज को निशाना बनाने के समुद्री डकैतों के प्रयास को नाकाम कर दिया। नौसेना के एक प्रवक्ता ने कल बताया कि घटना 15 अप्रैल को हुई। पीआई विमान ने निगरानी के दौरान एक मोटर बोट और तेज गति वाले 2 छोटे नावों को जहाज की तरफ जाते देखा। जहाजों ने संभावित समुद्री डकैतों से मुकाबले के लिए मदद मांगी। अधिकारी ने बताया विमान ने तुरंत जवाब दिया और चेतावनी सूचना जारी कर दी। उन्होंने बताया कि विमान को पीछा करते देख संदिग्ध मोटर बोट और छोटी नौकाओं ने अपना रास्ता बदल लिया। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मामले में केंद्र सरकार बैकफुट पर आ गई है। तेज विरोधों के बाद केंद्र सरकार ने इस मामले में अगले 3 महीने तक यथास्थिति बनाए रखने का ऐलान किया है। पीएफ से रकम निकाले जाने की प्रक्रिया को सख्त करने के नोटिफिकेशन को सरकार ने 31 जुलाई तक रोक दिया है। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को कहा कि इस दौरान हम पीएफ से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स से चर्चा करेंगे। उनका ये फैसला कर्मचारियों के पीएफ से रकम निकालने की प्रक्रिया को सख्त करने के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में चल रहे तेज विरोध के बीच आया है। सुप्रीम कोर्ट में कोहिनूर हीरा की वापसी पर दिए अपने बयान से केंद्र सरकार ने 24 घंटे के अंदर यूटर्न ले लिया है। सरकार की ओर से बताया गया है कि कोहिनूर की वापसी के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारत सरकार इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने सोमवार को साफ कर दिया था कि वो कोहिनूर हीरे की वापसी की मांग नहीं कर सकती। सरकार ने कहा था कि 1849 में कोहिनूर ईस्ट इंडिया कंपनी को महाराजा दिलीप सिंह ने बतौर उपहार दिया था।
इसके बाद कोच ने उनसे तीखे सवाल पूछे। वहीं मोदी सरकार ने इस बयान से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नाखुश बताया जा रहा है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कल कहा कि समझौता विस्फोट मामले में लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन मालेगांव विस्फोट मामले को लेकर उनके खिलाफ जांच जारी है। एनआईए के महानिदेशक शरद कुमार ने कहा, समझौता विस्फोट मामले में पुरोहित के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, वो कभी भी आरोपी नहीं थे। मुझे हैरानी है कि समझौता विस्फोट मामले में उनका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है। एनआईए प्रमुख ने कहा कि 2008 में मालेगांव विस्फोट के सिलसिले में एटीएस मुंबई ने पुरोहित के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था और इस मामले में एनआईए जांच कर रहा है। पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकवादी हमले की जांच के लिए एनआईए टीम ने 50 गवाहों की लिस्ट तैयार की है। पाकिस्तान जाने पर एनआईए की टीम इन गवाहों से पूछताछ कर सकती है। इस लिस्ट में हमले के मास्टरमाइंड जैश मोहम्मद प्रमुख मौलाना मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रौफ का शेफ जान और शाहिद लतीफ का नाम शामिल है। जानकारी के मुताबिक एनआईए टीम के पाकिस्तान दौरे के संबंध में भारत लिखित वादा करने को लेकर इस्लामाबाद पर जोर डाल सकता है। पाकिस्तान की ओर से ऐसे दौरे का विरोध नहीं किए जाने के संकेत मिलने के बाद भारत लिखित आश्वासन पर दबाव डाल सकता है। इसके लिए गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय से संपर्क करेगा। हाल में हुए विवाद के बाद एनआईटी श्रीनगर को कहीं और स्थापित करने से केंद्र सरकार के इनकार के बाद गैर कश्मीरी छात्रों ने कल मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी संस्थान परिसर का दौरा करें और छात्रों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए वहां तिरंगा फहराए। स्मृति ईरानी को लिखे गए पत्र में छात्रों ने 19 मांगे रखी है, जिसमें परिसर में सीआरपीएफ की स्थायी तैनाती, कॉलेज प्रशासन में फेरबदल, छात्र परिषद का गठन, परीक्षा की मार्कशीटों का मूल्यांकन बाहर करने का विकल्प और संस्थान में राष्ट्रीय पर्व मनाना शामिल है। कल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधिकारियों को ये पत्र दिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल में फिर तनातनी हो सकती है। दिल्ली सरकार की ओर से तिहाड़ जेल के डीजी पद पर जेके शर्मा की नियुक्ति जंग को रास नहीं आई है। जंग खुद से बिना चर्चा किए फैसले लेने के केजरीवाल सरकार के फैसले से नाखुश बताए जा रहे हैं। इस नियुक्ति को वो रद्द कर सकते हैं। इसके पहले कल सीनियर आईपीएस अधिकारी जेके शर्मा ने तिहाड़ जेल के नए महानिदेशक के तौर पर कामकाज संभाल लिया। उन्होंने आलोक कुमार वर्मा की जगह ली है। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने 2019 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की वकालत करते हुए कहा कि अगर नीतीश प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनते हैं तो आरजेडी उनका समर्थन करेगी। पटना में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश की इतनी तारीफ हो रही है कि उनका कद काफी ऊंचा हो गया है। लालू ने नीतीश कुमार के उस बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया है। लालू ने नीतीश के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरएसएस देश तोड़ देगा। रेल कर्मचारियों की समस्याओं को सीधे सीधे सुनने के इरादे से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ऑनलाइन शिकायत सिस्टम बनाने का फैसला किया है। निवारण नाम से बनाई जाने वाली इस ऑनलाइन सर्विस का फायदा तकरीबन 27 लाख रेलवे कर्मचारियों और पेंशनरों को होगा। रेल मंत्री ने निवारण ऑनलाइन सुविधा 24 जून को शुरू करने का निर्देश दिया है। निवारण के तहत मेडिकल क्लेम, पेंशन क्लेम, नियुक्ति प्रतिनियुक्ति, घर और कॉलोनी संबंधी समस्याओं को बेहतर तरीके से निपटाया जा सकेगा। रेल कर्मचारी की शिकायतों को अगर संबंधित विभाग निश्चित समय सीमा में नहीं निपटा सकेगा तो मामला सीधे रेल मंत्री के पास पहुंच जाएगा। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन पर रेल बोर्ड में हुई तकनीकी ग्रुप की बैठक में लोकेशन संबंधी सर्वे को जल्द शुरू करने का फैसला लिया गया है। अहमदाबाद और मुंबई बुलेट ट्रेन रूट के रास्ते में पड़ने वाले इलाकों की भूगर्भीय जांच और काली मिट्टी के सैंपल की जांच का काम अगले 2-3 महीनों में शुरू कर दिया जाएगा। बैठक में बुलेट ट्रेन के तमाम तकनीकी पहलुओं के बारे में बातचीत की गई। भारत जापान के बीच हुए बुलेट ट्रेन के करार के मुताबिक जापान भारत को टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी करेगा और इस ट्रेन को चलाने के लिए जरूरी ट्रेनिंग भी मुहैया कराएगा। बैठक में इस बात पर खास जोर दिया गया कि बुलेट ट्रेन का निर्माण 2018 में शुरू कर दिया जाए और 2023 से 24 तक इसको कमीशन कर दिया जाए। अभिनेत्री कंगना रनावत, अभिनेता ऋतिक द्वारा दर्ज कराई गई एक
प्राथमिकी के सिलसिले में साइबर अपराध पुलिस के सामने बयान दर्ज कराएगी। ऋतिक ने उनके एक ऑनलाइन इंपोस्टर के उनके नाम से उनके प्रशंसकों को ईमेल भेजने के कथित मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी ने कल कहा कि हमने गत शनिवार को साइबर अपराध शाखा को 30 अप्रैल की तारीख बता दी थी, क्योंकि उस दिन हम तीनों कंगना, उनकी बहन रंगोली और मैं बयान दर्ज कराने के लिए उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि कंगना और उनकी बहन अपने बयान अभिनेत्री के घर पर दर्ज कराएंगी। मैनहट्टन के अरबपति डोनाल्ड ट्रंप और पूर्व विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने हाल में कुछ प्राइमरी में हार मिलने के बाद खेल का रुख बदलने वाले न्यूयॉर्क प्राइमरी चुनाव जीतकर अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने की अपनी अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया है। ट्रंप को उनके गृह राज्य में मिली इस बड़ी जीत ने उनकी दावेदारी को एक नई लय दे दी है और उन्हें पार्टी उम्मीदवार बनने के लिए आवश्यक डेलीगेटों की संख्या के पास ला दिया है। दूसरी तरफ 8 वर्षों तक न्यूयॉर्क की सीनेटर रही हिलेरी 59.3% वोटों के साथ अपने प्रतिद्वंदी बर्नी सैंडर्स से काफी आगे हैं। गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बाद रॉबिन उथप्पा के अर्धशतक से कोलकाता नाइट राइडर्स ने इंडियन प्रीमियर लीग मैच में किंग्स 11 पंजाब को 6 विकेट से हरा दिया। उथप्पा ने सिर्फ 28 गेंद में 9 चौकों की मदद से 53 रन की पारी खेलने के अलावा कप्तान गौतम गंभीर के साथ पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े। इससे केकेआर ने 139 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 17 गेंद शेष रहते 4 विकेट पर 141 रन बनाकर जीत दर्ज की। केकेआर की 4 मैचों में ये तीसरी जीत है, जबकि पंजाब की इतनी ही मैचों में ये तीसरी हार है। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से, तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.